शनिवार को कोविड केयर सेंटर पिनगवा से 5 मरीजों को स्वस्थ पाए जाने के बाद छुट्टी दे दी गई। अब ईद से ठीक पहले डिस्चार्ज किए गए यह मरीज अपने परिवार के साथ ईद मना सकेंगे। इनकी छुट्टी के साथ ही नूह जिला पूरी तरह कोरोना फ्री हो चुका है। आपको बता दें कि अप्रैल के महीने में नूह जिला पूरे प्रदेश के लोगों को डरा रहा था। सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या इसी जिले में आई थी। पहला केस 2 अप्रैल को सामने आया था, जिसमें 3 लोगों को कोरोना के संक्रमण मिले थे। संख्या बढ़कर 65 तक पहुंच गई थी। ईद उल फितर के पर्व पर मेवात के लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वह सभी स्वस्थ होकर अपने घर लौट रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना को आगे कंट्रोल रखने के लिए उनकी टीम भरकस प्रयास करेगी, लेकिन लोगों का सहयोग भी उतना ही जरूरी है। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा है कि अब जिले में एक्टिव केसों की संख्या 0 हो गई है। वास्तव में यह सिस्टम से लेकर आम लोगों के लिए राहत की खबर है। डॉक्टर वीरेंद्र यादव सीएमओ ने कहा है कि अब नलहड़ मेडिकल कॉलेज में 60 में से नलहड़ मेडिकल कॉलेज आइसोलेशन वार्ड में भर्ती 60 लोगों को पूरी तरह स्वस्थ होने के कारण डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब एक्टिव केसों की संख्या 0 हो गई है। सीएमओ ने कहा है कि मेडिकल कॉलेज कई दिन पहले नूह जिले के मरीजों से पूरी तरह फ्री हो चुका था। आप देखें लियाकत अली पत्रकार रिपोर्ट। देखिए, पहले केस की अगर मैं शुरुआत करूं तो जब तबलीगी जमात के कॉन्ट्रैक्ट्स के, तो 1 अप्रैल की तारीख वो थी जिस दिन हमारे पास पहले केसेस की रिपोर्ट आनी शुरू हुई थी, यानी 2 अप्रैल को 3 पहले केस पॉजिटिव आए थे। उसके बाद ये प्रोसेस चलता रहा, जिसमें तबलीगी जमात, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ ड्राइवर्स और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो पॉजिटिव आए, और कुल मिलाकर मेवात ज़िले में कोविड केसेस की पॉजिटिव संख्या 65 तक पहुँची। लेकिन आज बड़ी अच्छी, जिसको मैं कहूँ, कुल मिलाकर कहूँ कि 65 पे 65 न केवल रिकवर हुए, मेवात में कोई भी डेथ नहीं हुई, और एज ऑन टुडे हमारे पास कोई भी पेशेंट ना कोविड केयर में एडमिट है, ना कहीं किसी अस्पताल में एडमिट है। तो मैं आज की डेट में एज ऑन टुडे मेवात में एक्टिव केसेस 0 हैं। काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे होंगे मेवात के लोग, क्योंकि ईद के दिन ही ये सौभाग्य का अवसर उनको प्राप्त हुआ है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले टाइम में जितना संभव होगा हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप सभी को मालूम है कि इसको मेंटेन करना काफ़ी एक चैलेंज भरा काम होगा, लेकिन हम अपना भरसक प्रयास करेंगे कि मेवात को कोरोना मुक्त रखने का हम प्रयास करते रहेंगे और जारी रखेंगे।